योग के बारे में आप सभी ने जो कुछ सुना है मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप सभी को कहूँगा कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन ब्रेन को एनर्जेटिक रखता है, इसलिए कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इस पर आप अवश्य ध्यान दें। कपाल भाती जो पेट के सभी अंगों की मसाज करता है, 10 मिनट 5 मिनट ही ये दोनों प्राणायाम आप कर लिया करें, इससे आपको ब्रेन वाइज बहुत अच्छी फीलिंग होगी, ब्रेन एनर्जेटिक रहेगा, थकान मिटेगी, नई एनर्जी ब्रेन गेन करेगा। लेकिन योग कुछ और है। हमारा कनेक्शन सुप्रीम पावर से जोड़ना, ये योग है। हम आत्माएं हैं, अपनी शक्तियों को जगाना, ये योग है। मन की शक्तियों का विकास करना, ये योग है। अपनी बुद्धि को डिविनाइज करना, ये योग है। बुद्धि और ब्रेन दो चीजें हैं। ब्रेन ये और बुद्धि है आत्मा की सूक्ष्म शक्ति। बुद्धि ब्रेन के द्वारा काम करती है। हमें इस बुद्धि को क्लीन रखना है। यदि आप अपनी बुद्धि को क्लीन करेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे 10 गुना समझेंगे। आप ये बात अच्छी तरह जान लें, बुद्धि क्लीन तो जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो आधे घंटे में कर सकेंगे। और बुद्धि को क्लीन करने का अर्थ है, बुद्धि में जो निगेटिविटी भर गई है उसको खत्म करना। क्या निगेटिविटी है बुद्धि में? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और घृणा, किसी से बदला लेने की भावना, किसी को डोमिनेट करने की इच्छा, क्रोध और अभिमान, ये बुद्धि में गंदगी हैं। ये बुद्धि की शक्ति को छीन कर देती हैं। इसको खाली करना है। क्लीन करें बुद्धि को, जिनको बहुत बुद्धिमान बनना है। क्लीन करें अपनी बुद्धि को, जिनको कार्य शक्ति बढ़ानी है। आपकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ सकती है। जैसा मैंने कहा, 5 गुना कम से कम आप कार्य कर सकते हैं और अपने कार्यों को एंजॉय कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने फील्ड में। योग क्या है? योग केवल भगवान को याद करना नहीं है, ये उससे कनेक्शन जोड़ना है। सबसे पहली चीज जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं आत्मा हूं। जब हम अपने को आत्मा विजुअलाइज करेंगे यहां और फील करना है, मैं आत्मा हूं, ये नहीं हूं, ये देह अलग है, मैं चेतन शक्ति, और अपनी शक्तियों को पहचानना है, उनको बढ़ाना है। आप सभी ने सुन लिया होगा, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। हैं? सभी एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल चीज है, नई कुछ भी नहीं है। हम युगों से कहते आए तुम हमारे परम पिता हो, पर मानते नहीं थे उसको पिता। हम उसकी संतान हैं, इस फीलिंग में हम सब नहीं आए। अब आप इस गुड फीलिंग में आ जाएं, जो भगवान है वो मेरा पिता है, आत्मा का पिता। जस्ट डू एक्सेप्ट इट। वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर होंगे क्या? रियलाइज करो इसको। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हु इज ऑलमाइटी। और इसके लिए हम सब देते हैं, मैं हूं मास्टर ऑलमाइटी।
इस अवेयरनेस के द्वारा, इस फीलिंग के द्वारा अनेक समस्याएं समाप्त हुई। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। आप सभी योग का ये सुंदर प्रयोग करेंगे जीवन में। जब भी आप अपनी काम के लिए चलो घर से, सबको ये आदत डाल देनी है मिनिमम 1 मिनट मेडिटेशन करके चलेंगे। मैं आपको उस विधि पर ले चल रहा हूं। और फिर 3 बार ये संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और रिजल्ट देखना, जहां बिल्कुल संभावना नहीं है सक्सेस की, वहां भी सक्सेस प्राप्त होने लगेगी। इससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होते ही माइंड की ये पावर काम करने लगेंगी जो आपके कार्यों को अफेक्ट करेंगी। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.